हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज जो है ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक स्पेशल रीज़न से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। प्रेस्टीज पॉइंट पे बहुत दिनों बाद आज ऐसा हुआ कि ग्रुप वन जो टाइम बैच कंप्लीशन का था, उसके पहले आज वी स्मार्ट ने लॉ ये सब्जेक्ट का बैच कंप्लीट किया है। यानी लगभग 10 दिन पहले ये बैच कंप्लीट हुआ है। तो यस दोस्तों, मेरे साथ है सीए शुभम सिंगल सर। नाउ मैं आपको शुभम सर के बारे में बताऊं तो मोस्ट एनर्जेटिक फैकल्टी और मोस्ट कमिटेड फैकल्टी, और जो इन्होंने यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पे, अब मैं आपको कहूँगा कि भाई बैच 10 दिन पहले विथ कंप्लीटिंग एंटायर सिलेबस उन्होंने आज कंप्लीट किया। आज यस उनके लिए भी खुशी का दिन है क्योंकि उन्होंने अपना फर्स्ट बैच कंप्लीट किया है। तो यस शुभम सर, आपका फर्स्ट बैच जो है पुणे में सीए इंटर में कंप्लीट हुआ है, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और सर फर्स्ट बैच है, लेकिन फर्स्ट फेस टू फेस बैच है, तो फेस टू फेस का तो एक्सपीरियंस एकदम ही अलग होता है। और सर हाँ, मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि बैच जो है हमने 10-12 दिन पहले ख़त्म किया है, बट हमने सारे क्वेश्चन बैंक्स कर लिए, पूरा ICI मॉड्यूल कर लिया, सारे MCQs कर लिए, रिविजन्स कर लिए, और आगे भी रिविजन्स होते रहेंगे, पर काफ़ी कुछ हमने डिटेल में कवर कर लिया सर। बिकॉज लॉ का सिलेबस जो है वो हमने टोटल 160 घंटे दिए हैं सर। 160 घंटे इंक्लूड्स ऑल द रिविजन, ऑल द क्वेश्चन बैंक, ऑल द MCQs। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया सर। और फेस टू फेस के क्राउड में तो बच्चे ऑलरेडी इतने एनर्जेटिक होते हैं कि और हम में जान आ जाती है कि और अग्रेसिवली उनको पढ़ाएं। तो इट वॉज वेरी एंटरटेनिंग सर, वेरी फन, एंड आई एंजॉयड इट थॉरली। यस, तो जैसे शुभम सर ने कहा कि उनका ये फर्स्ट पुणे में फेस टू फेस बैच था, इसके पहले सर ने ऑनलाइन क्लासेस लिए थे यहाँ पे इंटर और फाइनल लेवल पे। सो दोस्तों, मैं जस्ट शुभम सर से पूछना चाहूँगा कि फेस टू फेस और ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, उनको क्या डिफरेंस पता चला? सर फेस टू फेस में, ऑनलाइन में पहले क्या होता है सर, ऑनलाइन में जैसे एक कॉन्सेप्ट है, अगर मैंने एकदम प्यार से एक बार समझा दिया तो मैं रिपीट किए बिना आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि अगर बच्चे को नहीं समझ आया तो वो पीछे करके वापस वही कॉन्सेप्ट देख लेगा। पर फेस टू फेस में सर, अगर एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, बच्चे का ध्यान नहीं है, उसको फिर से सुनना है, तो बोलेगा सर एक और बार गा के सुनाओ। तो वो ये होता है सर कि जब आप पूरा बैच फिनिश कर रहे हो, इसका मतलब ये जो भी बच्चे आपके साथ बने हुए हैं, एट द एंड उनका भी हो करके ख़त्म हो गया। हम लोगों को बार बार रिपीट करना क्यों ना पड़े भले। पर ऑनलाइन में बच्चे सर बहुत ज़्यादा वो पीछे करके देख लेते हैं आराम से, तो इसलिए ऑनलाइन का होता भी है सर, कोर्स जो होता है वो 100 घंटे में 120 घंटे में उतना ही कवरेज पूरा हो जाता है, पर फेस टू फेस में अपने को वही 140 150 घंटे लगते हैं। बट सर फेस टू फेस के अपने फ़ायदे, डिसिप्लिन बन जाता है। हम लोग क्या करते थे सर, हम लोग बच्चों को धमकी देते थे कल क्लास नहीं आओगे तो आप लोगों का एक्सेस बंद और मैं तुम लोगों के कोई डाउट्स नहीं लूँगा। तो उस चक्कर में अटेंडेंस अपनी लास्ट क्लास तक बहुत अच्छी रही, तो ये उन लोगों को पता भी नहीं चला और उनकी क्लासेस पूरी खत्म हो गई। सो दैट्स अ वेरी बिग एडवांटेज। बट ऑनलाइन वाले बच्चों का डिसिप्लिन मानना पड़ेगा सर, वो लोगों को कोई नज़र नहीं रख रहा है पर फिर भी उनको पता है अपने को डिग्री चाहिए, अपने को पढ़ना है तो पढ़ना है, और उनको पता है अपने को खुद ही करना होगा। सो बहुत फ़र्क है सर, पर दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। यस, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि शुभम सर ने ये जो है जितना भी लॉ को अराउंड 160 आवर्स आपका हुआ है, 160 आवर्स में पूरा एन 100% सिलेबस एज पर इंस्टीट्यूट पैटर्न, MCQ क्वेश्चंस, रिवीजन, और यहाँ पे अराउंड 150 के आसपास क्वेश्चंस राइटिंग मिली है, 150 के आसपास क्वेश्चंस राइटिंग मिली है, और इस तरह से शुभम सर ने अपना सिलेबस यहाँ कंप्लीट किया। सो दोस्तों, यस मैं अपनी तरफ से शुभम सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा दो बातों के लिए। पहले तो यहाँ पे कि उनका पुणे में पहला बैच फेस टू फेस कंप्लीट हुआ और उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, और दूसरा कि यहाँ पे जितना टाइम अलोकेट किया था विद इन दैट टाइम, जितने आवर्स अलोकेट किए थे विद इन दैट आवर, ओके, उन्होंने कंप्लीट किया। और यहाँ नो डाउट जो भी स्टूडेंट ने ये बैच किया है वो सारे स्टूडेंट बहुत खुश है, अभी हम पार्टी करके आए हैं। ओके, सो दोस्तों बस शुभम सर से ये पूछना चाहूँगा कि सर अभी जैसे बच्चे सेकंड ग्रुप लगा रहे हैं, तो सेकंड ग्रुप जब वो यहाँ पे कर रहे हैं तो लॉ का उन्होंने साथ साथ में कैसे रिविजन करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोग बोलेंगे नहीं, पर सेकंड ग्रुप के साथ फर्स्ट ग्रुप का रिवीजन आपका नहीं हो पाएगा। आप लोग कोशिश करोगे तो आप रोज़ रात को टेंशन में सोने जाओगे कि मैं रिवीजन नहीं कर पाया, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, ग्रुप वन के लिए 15 दिन बचे, तो दिसंबर 15 तक आप लोगों का रिविजन मैं पूरा करवाऊँगा।
पूरा कंपनीज एक्ट एक बार और मैं आप लोगों को रिवाइज करवा के देने वाला हूँ। उसके बाद 16 तारीख से सिर्फ और सिर्फ ग्रुप टू पे फोकस कीजिए, पूरा ग्रुप टू का क्लास अटेंड कीजिए, पूरा ग्रुप टू का घर जाकर के रिवीजन कीजिए, ताकि जब आपका ग्रुप टू का क्लासेस खत्म हो तो आप कॉन्फिडेंटली ये बोल सकते हो कि 4-5 दिन और लगेंगे और मेरा ग्रुप टू का पूरा क्लासेस खत्म हो गया। उसके बाद आप वापस से पूरा ग्रुप वन का रिविजन शुरू कर सकते हो। प्रैक्टिकली अगर दिन में आप 3-4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ग्रुप टू का, उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं ग्रुप टू का रिविजन करूंगा फिर ग्रुप वन के भी कोई सब्जेक्ट का रिविजन करूंगा, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, सिर्फ आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो उसके बाद जब आप फर्स्ट ग्रुप का रिविजन शुरू करोगे सेकेंड ग्रुप के बाद, उसमें विशाल सर के थ्रू हम लोग एक रैपिड रिविजन बैच अनाउंस करेंगे आप लोगों के लिए। आप लोगों का लॉ का, जीएसटी का, अकाउंट्स का, सारा चीज का रिविजन हम लोग फिर से करवाएंगे। और एग्जाम के पहले भी आप लोगों को रिविजन करवाने के लिए मैं वीडियो डाल करके रखूंगा, जिसमें आप पूरे एकदम क्रिस्प मैनर में पूरा रिविजन कर सकते हो फॉर अकाउंट्स, जीएसटी, एवरीथिंग। तो सर हमारा फुल सपोर्ट रहेगा, बट आई थिंक अभी आपका एक बार ग्रुप वन खत्म हो जाए तो उसके बाद ग्रुप टू पे फोकस कीजिए। और अगर आप सिर्फ ग्रुप वन दे रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए एक शेड्यूल अलग से बना करके दे दूंगा, जिससे आप पूरा रिविजन शुरू कर सकते हो लॉ का फ्रॉम स्क्रैच। सो दोस्तों मैं एक लास्ट क्वेश्चन शुभम सर से पूछना चाहूँगा कि यस शुभम सर, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपके भी स्टूडेंट हैं, मेरे भी स्टूडेंट और ये देख रहे हैं, तो यस ये स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे जूनियर आते हैं, फाउंडेशन क्लियर होके आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने उनको कैसे गाइड करना चाहिए कि यहाँ मतलब सब्जेक्ट से रिलेटेड और यहाँ पर पढ़ाई से रिलेटेड आपको क्या लगता है? सर मैं तो बस यही कहूँगा कि बच्चों से कि काफ़ी सारे बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो अपना फीडबैक देंगे, वो तो गाइड करेंगे, पर जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है, अगर आप लोगों ने मेरे को जाना नहीं है तो एक बार लेक्चर्स वगैरह देख करके ज़रूर अगर आप किसी जूनियर को अपने बात करो तो एक बार एक नाम ज़रूर ले लेना हल्का हल्का कि कोई शुभम सिंगल सर करके है जो प्रेस्टीज पॉइंट पर पढ़ाते, जाओ देख लो, जमेगा तो रख लेना वरना जाने देना, बट एक नाम ज़रूर उन तक पहुँचा देना, मतलब दुआओं में याद रखना, उनको ज़रूर बता देना। तो आई थिंक दैट विल बी ओनली थिंग दैट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, और उसके आगे फिर हमारा काम है और हमारी ड्यूटी है कि हम लोग पूरी जान लगा दें उन लोगों को पास करवाने में, फिर आगे बात तो वो खुद ही फैलाएंगे। सो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने कहीं से भी लॉ का गाइडेंस लिया होगा, क्लासेस ली होगी, लेकिन वी स्मार्ट के रिविजन लेक्चर्स आते हैं। और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता दूँ कि नाउ शुभम सर ने, अभी सुबह हमारी बात चल रही थी कि भाई आज तो हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है, लेकिन जो हमारे पास 7-8 दिन बचे उसमें सर यहाँ कंप्लीट रिविजन करवाने वाला है स्टूडेंट्स की, जो वीडियोज़ जो है यूट्यूब पर भी रहेंगे शायद, तो आप अगर आप लॉ कम्प्लीट होने के बाद रिविजन देखना चाहो तो आप रिविजन देख सकते हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू शुभम।